कैसे आप सिर्फ इतने से टमाटर केचप में 10 भयानक कीड़े खा रहे हो और ये जेली बेस कैसे बनते हैं ये देख के आपको इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। और क्या न्यूट्रिशनल पाउडर लकड़ी के भूसे से बनते हैं, जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, टोमेटो केचप। आप टोमेटो केचप की जगह पर कीड़े खा रहे हो, जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है 1 किलोग्राम में 2 से 3 कीड़े निकलते हैं। यहाँ तक कि 1 किलोग्राम केचप में 30 से भी ज्यादा कीड़ों के अंडे भी आ सकते हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, ये सेफ ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि केचप जो है वो टोमेटो से बनता है और टमाटर में कई बार ऐसे कीड़े रह जाते हैं। इस हिसाब से एक बार सोचिए कि एक केचप के बोतल में कितने मरे हुए कीड़े होंगे। नंबर 5, जेली बियर। आपने क्यूट से ये जेली बियर खाए होंगे, लेकिन ये देखने के बाद आप शायद ही इसे खाओगे, क्योंकि जेली में ये लोग जिलेटिन डालते हैं, इसलिए ये जो जेली होती है वो इतनी ज्यादा बाउंसी बनती है। और ये जिलेटिन ये किसी और चीज से नहीं बल्कि एनिमल से बनता है, और ये सिर्फ 1-2 एनिमल से नहीं बल्कि जो एनिमल अंदर से मीट निकालने के जो चीजें बच जाती है उसकी हड्डी और थोड़े बहुत फैट के टुकड़े, उससे जिलेटिन को बनाया जाता है। इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको जेली अवॉइड ही करनी चाहिए। नंबर 4, न्यूट्रिशनल पाउडर। न्यूट्रिशनल पाउडर के कई फ्लेवर आते हैं, लेकिन जब इनके ओरिजिनल फ्लेवर को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया तब लोगों को इसके ओरिजिनल फ्लेवर को देख कर लगा था कि ये लकड़ी का भूसा है। अगर आपने लकड़ी के भूसे को देखा है तो लगभग ये इसी तरह का दिखता है, यहाँ तक कि उसका टेक्सचर भी कुछ ऐसा ही होता है। और जब इसे दूध में डाला जाता है तब इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बेकार आता है, और इसी वजह से कई लोगों को लगा था कि ये लकड़ी का भूसा है, पर ये बस एक मिथ निकला। नंबर 3, वेनिला आइसक्रीम। वेनिला आइसक्रीम में कैस्ट्रियो नाम का एक केमिकल आता है, और वेनिला आइसक्रीम का जो अलग टेस्ट और स्मेल होता है वो इसी की वजह से आता है। और ये केमिकल को जानने के बाद शायद ही आप कभी वेनिला आइसक्रीम खाओगे, क्योंकि ये केमिकल इस एनिमल से आता है। दरअसल ये एनिमल अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए अपने पीछे से किसी माल की तरह चीजें निकालता है, और उसकी अलग ही स्मेल होती है, और इसके सूख जाने के बाद वेनिला बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अंदर इस एनिमल का यूरिन भी होता है क्योंकि ये उसके आसपास से ही आता है। नंबर 2, च्युइंगम। आपने हमेशा सुना होगा कि च्युइंगम में ऐसे जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है और इसमें रबर भी होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि ऑफ कोर्स ये फेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से फेक नहीं है। पहले च्युइंगम को बनाने में पेड़ से निकलने वाले गोंद और एक खास तरह के फल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय वह फल काफी ज्यादा महंगा हो चुका है और उससे बनी हुई च्युइंगम कुछ समय के बाद टूटने लगती है, और इसीलिए इसे एक खास तरह के पॉलीमर से बनाया जाता है, और ये पॉलीमर प्लास्टिक और रबर का होता है, लेकिन ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए अगर हम इसे खा भी ले तो ये हमारे पेट से होकर निकल जाता है। ये ना ही कोई फायदा देता है और ना ही कोई नुकसान, लेकिन ये बात तो सच है कि ये रबर से ही बनता है। नंबर 1, ब्लू चीज। आपने ब्लू चीज के बारे में सुना होगा, लेकिन ये इंडिया में इतना फेमस नहीं है। इसका अलग सा ही टेस्ट होता है। ब्लू चीज में ये जो ब्लू कलर होता है ये कुछ और नहीं बल्कि फंगस है। ये बनाने के लिए पहले चीज को बनाते हैं और फिर उसमें होल करते हैं और फिर उसके ऊपर पानी और नमक को डालते हैं, इसके बाद करीब 2 महीने तक इसे ऐसे ही रखा जाता है, और लगभग 10 दिन में ही इसके ऊपर सफेद परत बनने लगती है, और 2 महीने में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इस चीज में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से फंगस हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि ये फंगस ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।